जिस व्यक्ति को फर्स्ट बार हमें ये एहसास होता है भाई इसको पैरालाइज अटैक है, सबसे पहले उस व्यक्ति का बीपी चेक करो। जैसे उसका बीपी नॉर्मल है तो सबसे बेस्ट एक टीका आता है न्यूरोबिन फोल्ट, हर जगह उपलब्ध होता है, तत्काल वो टीका दो। लेकिन वो टीका नस में नहीं दिया जाता, मांस में दिया जाता है, जैसे कूल्हे में दे दिया। अगर व्यक्ति का बीपी ज़्यादा है, एज के माध्यम से जिस व्यक्ति की उम्र 50 से ऊपर है, अगर उसका बीपी 150 से अप चला जाता है, पहले उसको बीपी की गोली दें, उसके बाद उसको न्यूरोबिन फोल्ट इंजेक्शन दे दें, वो सबसे बेस्ट फर्स्ट एड है। जैसे कई व्यक्ति शराब दे देते हैं या भाई कोई अफीम वगैरह दे देते हैं, वो इस बीमारी का उपचार नहीं है। क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा है व्यक्ति का और हम उसको शराब दे देते हैं तो उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तत्काल की फर्स्ट एड है न्यूरोबिन फोल्ट इंजेक्शन, सबसे बेस्ट टीका है। मल्टीविटामिन बी होता है इसके अंदर। और जिस व्यक्ति को फेस में दिक्कत हो जाती है, जैसे एक आंख बंद नहीं होती या फेस टेढ़ा हो जाता है, उसको न्यूरोबिन की गोली दे दें, वो एक तत्काल की फास्ट एड है। उसके बाद उसकी कोई भी डॉक्टर से या कोई वैद्य से उसका चेकअप कराओ, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है पूरा। तत्काल की फास्ट एड के लिए यही होता है, लेकिन सबसे पहले इसका बीपी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, जैसे सर में दर्द होता है तो उसके लिए क्या घरेलू उपचार किया जाए? अचानक घरेलू उपचार के लिए आयुर्वेद के अंदर जिस व्यक्ति को सर में दर्द होता है, 10 साल से बड़ी अगर उम्र है तो प्याज का रस निकाल कर दो दो बूंद नाक में डाल दें, सिर का दर्द 15 से 20 मिनट में स्वस्थ हो जाएगा। कितना टाइम डालना है जी? 3 बार, 5 मिनट के बाद। 5-5 मिनट के बाद। जिस व्यक्ति को पैरालाइज अटैक होता है, उसको फ्रूट है, जूस है, ड्राई फ्रूट है या कोई ज़्यादा पावर की चीज़ें जैसे घी है, तेल की चीज़ें, ये उसको बंद रखनी चाहिए। कोई नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान वगैरह इससे दूर रहना चाहिए। उससे इसमें खाने पीने में काफ़ी वृद्धि होती है, खान पान से ही बीमारी होती है और खान पान से ही ख़त्म होती है। और बाई चांस जैसे अटैक आ जाता है, एसी वगैरह का उसमें यूज़ या आपको हवा का कोई वातावरण से बीमारी नहीं होती। अच्छा। जिस व्यक्ति को पैरालाइज अटैक पड़ता है उसका ब्रेन से संबंध होता है, लेकिन इसमें कई तरह की क्रिया अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति को ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाती है, जैसे कोई फोड़ा हो गया माइंड के अंदर, उसको भी पैरालाइज अटैक होगा। जिसके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है उसे भी पैरालाइज अटैक होगा। जिसको ब्रेन स्ट्रोक होता है, बारीकी की नस में लीकेज हो जाती है, उसे भी पैरालाइज अटैक होगा। जिसको ब्रेन क्लॉट हो जाता है तो उसे तो पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मान लो इसे बचाव करना है, अगर मान लो किसी को नहीं है और उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि वो क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी, सबसे बेस्ट सावधानी है, हर किसी इंसान का बीपी मेंटेन होना चाहिए, उसका शरीर निरोग होना चाहिए। अगर किसी पार्ट में, अंग में ये फीलिंग होती है हमें भाई कोई सुन्नापन है, हल्का फुल्का या थोड़ी थोड़ी फीलिंग होती है, तो उसके बचाव के लिए मैंने बता दिया भाई न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन या न्यूरोबिन फोर्ट टेबलेट। ये सुन्नापन हाथ में भी हो सकता है? हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, फेस पर भी हो सकता है। बाकी कई बार किसी व्यक्ति की नस ब्लॉक हो जाती है ब्रेन से, जिसका आँख का पर्दा गिर जाता है, या भाई उसकी आँख घूमना बंद हो जाती है, तो इलाज तो उसका दवाई से ही होगा, लेकिन तत्काल के लिए तो यही सबसे बेस्ट इंजेक्शन है, बहुत ही बेस्ट है।